नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बीएससी उत्तम स्टडी में। दोस्तों, जो भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से 2022 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 7 दिनों में 10,567 छात्र ई लाइब्रेरी से जुड़े। आगे क्या कुछ बताया गया फटाफट जान लेते हैं। बताया जा रहा है कोरोना काल में ई लाइब्रेरी स्कूली छात्रों के लिए लाभदायक साबित हो रहा है, तभी तो लाइब्रेरी के लॉन्च किए हुए महज 7 दिन में ही 10,567 छात्रों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। इतना ही नहीं, अब तक 11 लाख से अधिक छात्र ई लाइब्रेरी की वेबसाइट को सर्च कर चुके हैं, वही इतनी ही संख्या में वेबसाइट को लाइक भी किया गया है। 12 मई को हुई थी ई लाइब्रेरी की शुरुआत, ओके 12 मई को की गई थी। इसमें बिहार टेक्स्ट बुक के कक्षा 1 से 12वीं तक की किताबें डिजिटल फॉर्मेट में रखा गया है। छात्र ऐप को डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ई लाइब्रेरी में किताबें जहां 100 के लगभग डाली गई जाएगी, ओके, वहीं 3000 से अधिक वीडियो रहेगा। ई लाइब्रेरी में अपनी कक्षा की किताबें खोजना बहुत आसान है। छात्र QR कोड से आसानी से अपनी कक्षा तक पहुंच सकते हैं। देखिए, ई लाइब्रेरी का शुरुआत जो कि 12 मई को की गई है, हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग काफ़ी दिन के बाद देख रहे होंगे, ओके। तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी लॉकडाउन में इसका फ़ायदा उठाइए। कई सारे बच्चे जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं, लगभग 10,500 बच्चे जो कि इस ऐप पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, ओके, वेबसाइट से अपना बुक भी डाउनलोड किए हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि ई लाइब्रेरी पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया गया है जो अभी तक ई लाइब्रेरी ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं, तो फटाफट आप लोग ई लाइब्रेरी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को 1 से 12th क्लास तक के सभी बुक जो कि अपलोड है, आप लोगों को फ्री में मिलेगा। साथ ही साथ सभी का वीडियो लेक्चर फ्री में मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कैसे ऐप को इंस्टॉल करना है, किस तरह से ई लाइब्रेरी ऐप पे पढ़ाई करना है, आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर के देख लीजिए, सभी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि कोरोना काल में अभी सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान जो कि बंद है, इसलिए आप लोग अभी घर पे होंगे, तो आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए किस तरह से डाउनलोड करना है। चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लेंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।